स्टोरी विद अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं 200 साल की सुहागिन एक इच्छाधारी नागिन की कहानी। उपन्यास नागिन और सुहागिन। आज आप लोग सुनेंगे इस नॉवेल की 8वीं एवं इसकी आखिरी एपिसोड। अगर इससे पहले आप लोग इस नॉवेल के प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इस नॉवेल के प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपनी मन की बात, अपनी सलाह सुझाव, अपना ओपिनियन और फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विद अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और सुपर नेचुरल कहानियों से भरा एक इच्छाधारी नागिन की कहानी। उपन्यास नागिन और सुहागिन। सुनिए इसी नॉवेल की 8वीं एवं इसकी आखिरी एपिसोड आज अरुण के साथ। विजय की जान पहचान के कुछ लोग, जिनमें उसके दफ्तर के भी आदमी थे, चंदन सिंह की इस दर्दनाक मौत पर शोक प्रकट करने अवश्य आए थे, मगर सांप का काटा होने के कारण उसका विधिवत अंतिम संस्कार तो किया नहीं जा सकता था। विजय स्वयं भी ये जानता था और उसके जानकारों ने भी यही सलाह दी थी कि शव को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। शहर के करीब में कोई नदी भी नहीं थी, इसलिए शव को ले जाने के लिए एक किराए की मेटाडोर का प्रबंध किया गया। इसलिए शव के साथ किसी फालतू आदमी के जाने का प्रश्न नहीं था। इस प्रकार की किसी औपचारिकता निभाने की विजय ने कोई कोशिश भी नहीं की। शव के साथ विजय और दीपक के अलावा दीपक राठी ही था। चंदन सिंह की मौत पर वे पूरी तरह से गम में डूबे हुए थे। इतना गम तो विजय को अपने डैडी की मौत पर भी नहीं हुआ था, मगर चंदन सिंह की मौत पर उसे लग रहा था जैसे सचमुच उसके सिर से एक बहुत बड़ा साया हट गया हो। उसे लग रहा था जैसे वो अनाथ हो गया हो। दिव्या की आंखों से तो आंसू ही नहीं सूख पाए थे अब तक। उस समय भी जबकि वो मेटाडोर चंदन सिंह के शव को लेकर भागी जा रही थी, दिव्या की आंखें बार बार भर आती थी। स्वयं विजय इतना दुखी था कि दिव्या को ढाढ़स बंधाने का साहस नहीं कर पा रहा था। शव को ले जाने वाली गाड़ी एक जंगली इलाके में रुक गई। नदी का फाट यहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, मगर आगे बालू रेत था जिस पर गाड़ी का जाना संभव नहीं था, इसलिए शव को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। आगे शव को उन्हें कंधों पर ही ले जाना था। गाड़ी के ड्राइवर ने भी इस काम में उनकी मदद करने के लिए कहा था, मगर विजय ने यह सोचकर उसे वहीं रहने के लिए कह दिया कि नदी के किनारे से गाड़ी ओट में आ जाती, इसलिए गाड़ी की देखभाल के लिए उसका यही गाड़ी के पास रहना जरूरी है। विजय और दीपक राठी शव को उठाकर चले, दिव्या उसके साथ थी। इस प्रकार वे शव को लेकर नदी के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने शव को जमीन पर रखा तथा चंदन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी और शव को दोबारा उठा लिया। इस बार शव को उठाने में दिव्या ने भी अपना योगदान दिया। फिर नदी का जल जब घुटनों से भी ऊपर तक आ गया तो उन्होंने चंदन सिंह की अर्थी को भरे मन से जल को समर्पित कर दिया। जल के तेज बहाव के साथ चंदन सिंह हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर चल दिया। उस समय तीनों की आंखों में आंसू थे और वे लगातार दूर होती जा रही अर्थी को देखते रहे। चले, दीपक राठी ने कहा। किसी ने कहा कुछ नहीं और वे किनारे की ओर बढ़ गए, मगर किनारे पर पहुंचते पहुंचते दिव्या अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो वहीं रेत पर बैठकर घुटनों में सिर छिपाकर फफक पड़ी। धीरे धीरे उसकी हिचकियां तेज होने लगी। हाल तो विजय का भी यही था, मगर वो किसी तरह अपने आप पर काबू किए हुए था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसने अपना संयम खो दिया तो फिर दिव्या को संभालना तो असंभव ही हो जाएगा। मगर उस समय दिव्या को रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की।
दीपक भी शायद यही सोच रहा था कि इस प्रकार उसका दिल हल्का होना ही ठीक रहेगा। कुछ देर तक वो इसी प्रकार सुबकती रही और जब उसकी हिचकियां मध्यम पड़ने लगी तो दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, ठीक उसी समय सरकंडों के एक झुंड में छिपकर बैठे इस जल्लाद जैसे व्यक्ति के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव उभरे, क्योंकि वो इस समय दिव्या पर अपना निशाना सेट कर चुका था। बस लीवर की ही दबाने की देर थी, मगर दीपक ने बीच में आकर सारी सिचुएशन ही गड़बड़ कर दी थी। साला बहन का, दीपक राठी के लिए भद्दी सी गाली निकली। काफी इंतजार के बाद उसकी मनपसंद सिचुएशन पैदा हुई थी। वो इतनी दूरी पर था और अपने निशाने पर उसे इतना भरोसा था कि वो पहली गोली चलाकर ही दिव्या को समाप्त कर सकता था। और विजय भी इस समय ऐसी स्थिति में था कि संभलने का मौका दिए बिना उसे भी हिट कर सकता था। और जब तक उसका तीसरा साथी, जो कि उसका शिकार नहीं था, कुछ समझ पाता, वो सरकंडों के इस झुंड से निकलकर उसकी पकड़ से दूर निकल गया होता। जैसे भी उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसे विश्वास था कि उनका साथी उसका पीछा करने की कोशिश ना करता, मगर उसी आदमी ने, जिसे वो मारना नहीं चाहता था, उसकी सारी योजना बेकार कर दी थी। ऐसी सिचुएशन के लिए उसे अब और इंतजार करना था। इस समय उस शैतान के दिमाग में वो बात नहीं थी कि वो दो जीती जागती जिंदगियां लाशों में तब्दील कर देने वाला था, बल्कि उसकी आंखों के सामने नीले नीले करेंसी नोटों की झलक थी जिनका वो मालिक बन जाने के लिए बेताब हो रहा था। और उन करेंसी नोटों के सामने दो जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी। उसे किसी तीसरे आदमी की हत्या करने की इजाजत नहीं थी, न ही वो बेकार में कोई हत्या करना चाहता था। और उसकी परेशानी का एक यही कारण था, यदि उसने तीनों की हत्या करनी होती तो अब तक कर चुका होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो फिर से बेसब्री के साथ इस स्थिति का इंतजार करने लगा कि वो तीसरा आदमी सामने से हट जाए। ये अवसर भी उसे काफी इंतजार के बाद मिला था और ऐसा अक्सर दोबारा मिल ही नहीं सकता था। काम करने के बाद अपना बचाव करने की यहाँ कोई समस्या नहीं थी, वो बड़े आराम से यहाँ से जा सकता था। पुलिस भी आसानी से ये पता नहीं लगा सकती थी कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे उसका हाथ रहा होगा, इसलिए वो इस अवसर को किसी तरह भी हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। जल्दी ही ऐसा अवसर आ गया। दिव्या को उसने उठते देखा। उस बार वो इस स्थिति में खड़े थे कि विजय या दिव्या में से किसी पर भी निशाना साधा जाए। वो तीसरा आदमी बीच में नहीं आता था। इस बार उसका रिवॉल्वर उस ओर उठा तो उसके निशाने पर विजय प्रताप सिंह था। उसे निशाना साधने में कुछ पल का ही वक्त लगा। उसके राक्षसी चेहरे पर एक बार कठोरता के भाव उभरे, उसका जबड़ा कस गया तथा रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ सख्त हो गई। उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंच चुकी थी और विजय को इस बात का एहसास तक नहीं था कि मौत उसके एन सिर तक पहुंच गई थी। उसके अगले ही क्षण दिव्या को भी मौत की गोद में समा जाना था। विजय के सिर के ठीक बीच वाला हिस्से उसके निशाने पर था ताकि मरते समय उसके मुंह से आह तक भी ना निकल सके। उसकी उंगली का दबाव ट्रिगर पर कसा और ठीक उसी पर एक बार उसकी आंखों के सामने एक छाया सी लहराई और लिवलिवी दब गई, मगर फायर के धमाके के साथ ही स्वयं उसी के मुंह से दर्दनाक चीख बुलंद हुई। उसके कानों में एक बार एक भयंकर नागिन की फुफकार सुनाई दी और उसके माथे में सुई सी चुभती महसूस हुई। उसके साथ ही उसे अपनी ठीक आंखों के सामने भयंकर काली नागिन का फैला हुआ फन लहराता नजर आया, जो जमीन से इतनी ऊंची ऊपर उठ रही थी कि वो बैठे हुए उसके सिर तक पहुंच रही थी। एक बार फिर उसके मुंह से चीख निकली, उसकी आंखों में आतंक के साए उभरे और वो पीछे की ओर उलट गया, मगर नागिन तो इससे पहले ही अपना काम कर चुकी थी। उसके माथे पर रक्त की दो बूंदे उभर आई थी
और उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। मगर गोली तो उसके रिवॉल्वर से भी चल चुकी थी। इस धमाके की आवाज के साथ ही विजय प्रताप सिंह को अपने कान के पास किसी मक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दी और उसे लगा जैसे आग की कोई लपट सी उसके कान को स्पर्श कर गई हो। उसी घड़ी दिव्या के मुंह से आतंक भरी चीख सुनाई दी। दीपक राठी ने चौंककर उसकी ओर देखा। विजय हथेली से अपनी कनपट्टी दबाए हुए था। दीपक ने झपट कर अपने हाथों से उसकी कनपट्टी से हाथ हटाया। गोली केवल उसकी कान को स्पर्श करती निकली थी, वहां पर मामूली सी खरोच का निशान था। घबराओ नहीं भाभी, ये बिल्कुल ठीक है, दीपक ने कहा। उसी समय उसने शराबी की तरह लहराते हुए एक व्यक्ति को सरकंडों के झुंड से बाहर आते देखा। ओ रहा हरामजादा, गोली इसी ने चलाई है, दीपक राठी ने कहा। मगर उसका इरादा भांपते ही विजय ने उसकी बाह पकड़ ली। नहीं दीपक, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, तो पियो तो उस हरामजादे के हाथ में, कहते हुए दीपक ने एक झटके के साथ अपनी बाह छुड़ाई तथा पागलों की तरह उस आदमी की ओर दौड़ पड़ा। रुक जाओ दीपक, कहते हुए विजय प्रताप सिंह भी उसकी ओर लपका और इसी स्थिति में दिव्या भी अपने आप को वहां रोके नहीं रख सकी। ये सोचने का किसी को होश ही नहीं था कि फायर के साथ ही वो स्वयं भी चीखा था और अब रेत पर शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था। पल भर में ही वे तीनों उसके करीब थे। दीपक राठी पर उस समय पागलपन सवार था। उसने किसी बात की परवाह किए बिना अपने हाथ से घूसे का एक प्रचंड वार उसके पेट में किया। वो जिवा होते किसी भैंसे की तरह डकराया और रबड़ की गेंद की तरह उछलकर दोबारा रेत पर गिरा। दीपक राठी दोबारा उस पर वार करने के लिए बढ़ा, मगर उससे पहले विजय उसका चेहरा देख चुका था। उसका चेहरा विजय को बड़ा अजीब सा लगा। ठहरो दीपक, विजय ने उसकी बाह पकड़ते हुए उसे रोका तो दीपक ने शिकायती अंदाज में उसकी ओर देखा। जरा इसकी ओर तो देखो, मुझे तो ये बिना मारे ही मुर्दा सा नजर आ रहा है। अपनी मौत सामने देकर ये हरामजादा मुर्दा तो नजर आएगा ही, मगर मैं इस पर रहम नहीं करूंगा। पहले मुझे इसे बात करने दो दीपक, विजय ने कहा। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कर लीजिए बात, मगर मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, विजय ने उसकी ओर देखा। कौन हो तुम? टोनी, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। गोली तुम्ही ने चलाई थी? हाँ, उसने गर्दन झुकाते हुए स्वीकार किया। मगर अपुन को सजा मिल गई मेरे किए की। क्या सजा मिल गई? सर्फ ने डस लिया। एन उस वक्त जब अपुन गोली चलाने वाला था, सर्फ ने मेरे माथे पर डंक मारा, उसी से निशान चूक गया, वरना। सर्फ? दीपा के मुंह से हैरत में डूबा स्वर निकला। उसी समय उन तीनों की नजर उसके माथे पर छलकती रक्त की दो बूंदों पर गई। ठीक ऐसा ही निशान था चंदन सिंह के माथे पर। कैसा सर्फ था? दिव्या ने हैरत भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। काला, बहुत चौड़ा फन था उसका, बहुत भयंकर था वो। जमीन से मेरे सिर की ऊंचाई तक खड़ा हो गया था। वो नाग था या नागी, ये अपन कैसे जान सकता था, मगर बहुत विषैला था वो। ये वही नागिन थी, दिव्या के मुंह से शब्द निकले। ये बात छोड़ो दिव्या, इससे और बातें पूछनी है, विजय ने कहा। अगला सवाल दीपक ने किया। तुमने गोली क्यों चलाई? ये बात अपू नहीं बता सकता, मगर उसने कहा। लगता था जैसे उसे बोलने में बहुत कठिनाई हो रही हो। मरते समय झूठ नहीं बोलूंगा, सच ही बता। शीतल चोपड़ा के कहने से गोली चलाई थी, इसके बदले में अपुन को रोकड़ा मिला था। शीतल चोपड़ा? उस हरामजादे ने विजय साहब की हत्या के लिए तुम्हें बुक किया था, साथ ही इन मैम साहब की भी खलासी करनी थी अपुन को। क्या? अपुन सच बोलता है सेठ, अपुन को साहब और मैम साहब दोनों की खलासी के लिए बोला था शीतल चोपड़ा ने। आप लोग सर्फ से काटी गई लाश को नदी में बहाने आएंगे, ये बात भी अपुन को शीतल चोपड़ा ही बोला था। पुलिस के सामने ये सब बोलेगा? जरूर बोल देता सेठ, मगर
मगर क्या, दीपक राठी ने घूर कर उसकी ओर देखा। पुलिस के आने तक अपुन जिंदा कहां रहेगा सेठ? पुलिस यहां नहीं आएगी, बल्कि दीपक राठी ने कहा तो स्वयं पुलिस तक जाएगा। कैसे जाएगा सेठ, अपुन तो अब ऊपर ही जाएगा, ऊपर तक जरूर जाएगा, मगर ये सारी बातें पुलिस के सामने कबूल करने के बाद उठ के खड़ा हो, नहीं हो सकता सेठ। टांगों में तो दम ही नहीं रहा। तेरी टांगों में भले ही दम ना हो, मगर मेरे कंधों में बहुत दम है हरामजादे, कहते हुए दीपक ने झुककर उसकी बगल में अपनी बाह डाली तथा उसे अपने कंधे पर लाद लिया। आइए विजय साहब, दीपक राठी ने कहा। विजय और दिव्या अभी तक हक्के बक्के से दीपक राठी की ये कार्यवाही देख रहे थे, मगर उसकी इरादे को नकारने का कोई कारण नहीं था। इस आदमी का जिस्म काफी वजनी था, मगर दीपक को लगता था जिसने उसमें वजन महसूस ही ना हो रहा हो। उसके पैर रेत में धंसते जा रहे थे, मगर उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि विजय और दिव्या के लिए उसे फॉलो करने में काफी कठिनाई हो रही थी। मगर उसके बावजूद भी गाड़ी तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लग गया, और गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते दीपक पसीने में डूब चुका था और उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। गाड़ी का ड्राइवर आश्चर्यचकित सा इस नई स्थिति को देख रहा था। गोली की आवाज उसने भी सुनी थी और वो शायद इसे गोली का ही परिणाम समझ रहा था। दीपक राठी ने जिस समय टोनी को अपने कंधे से नीचे उतारा तो उसमें मुंह से झाग बहकर नीचे टपक रहे थे। उसकी आंखें ठहरी हुई थी। दीपक ने उसकी नब्ज टटोल कर देखी, नब्ज गायब थी। फिर उसके दिल पर हाथ रखा, लेकिन उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। टोनी मर चुका था, और टोनी की मौत का धक्का दीपक के लिए प्रियजन की मौत के धक्के से भी अधिक असहनीय था, क्योंकि शीतल चोपड़ा के खिलाफ यही एक गवाह था जो पुलिस को सारी सच्चाई बता सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। कामनी के चेहरे पर चिंता के भाव थे, जबकि शीतल चोपड़ा सामान्य नजर आ रहा था। उसके हाथ में विस्की का जाम था। कामिनी अभी अभी बेडरूम में दाखिल हुई थी। कुछ विस्की का प्रभाव था, या फिर वास्तव में ही चिंतित होने के बावजूद भी शीतल चोपड़ा को आज उसके जिस्म में विशेष प्रकार की सेक्स अपील नजर आ रही थी। क्या बात है रानी, शीतल चोपड़ा ने उसके उभरे हुए सीने की गोलाइयों पर नजरें गड़ाते हुए कहा। कुछ परेशान नजर आ रही हो, सुनोगे तो तुम्हारे भी छक्के छूट जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि तुम्हारा ये कदम तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा, मगर हुआ क्या रानी, तुम्हारा वो किराए का टट्टू तो मारा ही गया, वो तो मुझे पता चल ही गया था, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे किराए के टट्टू तो बहुत मिल जाएंगे, पहले एक से ही तो निपट लो, उससे क्या निपटना है, वो तो ऊपर ही पहुंच गया, कमबख्त सांप को भी उसी समय उसे काटना था, थोड़ी देर बाद काटा होता तो स्कीम में चार चांद लग गए होते। कैसे चार चांद, हत्या करने के बाद हत्या का सबूत भी स्वयं मिट गया होता, और ऊपर से वो रोकड़ा भी ना देना पड़ता, मगर अब वो ना हो तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा कर चुका, स्वयं भी मर गया और ऊपर से बवाल भी खड़ा कर गया। बवाल कैसा, ओ हरामजादा मरने से पहले उन्हें बता गया था कि इस काम के लिए उसे तुमने भेजा था, उसके कहने भर से क्या होता है, ये बात मैं तुम्हारे बताए बिना ही जानता हूं, मगर तुम ये नहीं जानते कि उन लोगों ने तुम्हारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी है। रिपोर्ट, शीतल चोपड़ा की आंखों में अनिश्चय के भाव उभरे। क्यों, छूट गए ना छक्के? मगर कामनी की आशा के विपरीत इस बार भी फिर शीतल चोपड़ा ने होठों पर मुस्कुराहट उभरी। ये बात भी मैं जानता हूं। जानते हो? हाँ बिल्कुल जानता हूं, और ये जानने के बावजूद भी रिपोर्ट लिखा देने भर से क्या होता है, साथ में उसका बयान भी तो है, बयान भी तो उसने उन्हीं लोगों के सामने दिया है, पुलिस उनके कहने भर से तो उनकी बात नहीं मान लेगी, पुलिस ने मान भी ली तो अड़चन में इसे सबूत के तौर पर तो पेश नहीं कर सकती, मगर इसे आधार बनाकर पुलिस तुम्हारे पीछे तो पड़ ही जाएगी, नहीं पड़ जाएगी मेरे पीछे,
पड़ भी गई तो क्या बिगाड़ लेगी पुलिस। चेतन प्रताप सिंह की हत्या तुमने इतनी सफाई से की है कि पुलिस उसका शक आज तक नहीं कर सकी। चेतन प्रताप सिंह की हत्या? कामनी की आंखों में हैरत के भाव उभरे। ओह, शीतल चोपड़ा के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। रिहर्सल कर रही हो? रिहर्सल? कैसी रिहर्सल? ताकि पुलिस को यदि कभी इस प्रकार का शक भी हो तो तुम अपने आप को इससे बिल्कुल अनभिज्ञ होने का नाटक कर सको कि चेतन प्रताप सिंह की मौत इसलिए हो गई कि वही दवाई जो उसे दिल की बीमारी से बचाकर उसकी प्राण रक्षा कर रही थी उसी की ओवरडोज उसकी मौत बन गई, जो तुमने बड़ी चलाकी से उसके दूध में मिलाकर पिला दी और इस बात को कोई नहीं जान सका कि उसकी मौत हृदय गति रुक जाने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। कामिनी अभी हैरत से उसकी ओर देख रही थी। नाटक अच्छा कर सकती हो रानी, तुम्हारी सूरत देखकर मुझे शक होने लगा है जैसे तुम स्वयं इससे बिल्कुल अनजान हो। मगर बंद करो ये नाटक, मेरे सामने ये नाटक करने से क्या लाभ हो सकता है। इस बार कामिनी मुस्कुराई, उत्तर में शीतल चोपड़ा भी मुस्कुराया। उसने अपना जाम मुंह से लगाया तथा उसमें वची विस्की की शेष मात्रा को एक ही बार में खाली कर गया। अब छोड़ो ये किस्सा रानी, आओ। कहाँ? नहीं जानती। शीतल चोपड़ा ने अर्थपूर्ण अंदाज में उसकी ओर देखा। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। वो तो हमेशा ही लगती हूँ तुम्हें। आज कुछ विशेष बात नजर आ रही है। क्या विशेष बात? इधर आओ तो बताओ। कोई जरूरत नहीं है। मगर मुझे तो जरूरत है रानी, शीतल चोपड़ा ने कहा और वो कामनी की ओर बढ़ गया। कामनी के चेहरे पर अनिच्छा के भाव अवश्य उभरे मगर वो उसका विरोध नहीं कर सकती। शीतल चोपड़ा ने उसे बाहों में उठा लिया तथा बिस्तर की ओर बढ़ गया। दरवाजा तो वोल्ट कर लो, कामनी ने कहा। मगर शीतल चोपड़ा ने उसकी परवाह ना करते हुए उसे बिस्तर पर पटक दिया। वो कामनी के ऊपर झुका तथा उसका एक हाथ कामनी के ब्लाउज में रेंग गया। ठीक उसी समय दरवाजा फटाक से खुला। शीतल चोपड़ा ने चिहुक कर दरवाजे की ओर देखा और दरवाजे पर उसने जो कुछ देखा उसके कारण उसकी आंखें हैरत और अविश्वास के साथ फटी रह गई। उसे जैसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि दरवाजे पर कामिनी, जो वास्तव में कामिनी ही थी, खड़ी थी। उस घड़ी उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कौन है ये चुड़ैल? उसने जहर से बुझे शब्दों के साथ कहा। मेरी ही बेडरूम में मेरी आंखों में धूल झोंक कर उस चुड़ैल के साथ मजे करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शीतल चोपड़ा ने बिस्तर की ओर देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या था। उसके सामने दो दो कामनी थी, एक बिस्तर पर पड़ी थी और दूसरी सामने दरवाजे पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में कौन असली कामनी है और कौन नकली। तूने मुझे चुड़ैल कहा? बिस्तर वाली कामनी ने बिस्तर पर एक गर्दन अकड़ाते हुए कहा। चुड़ैल को चुड़ैल ही कहूंगी, दरवाजे पर खड़ी कामनी ने नफरत से उसकी ओर देखा। देखा शीतल? बिस्तर वाली कामनी ने शीतल की ओर देखा। तुम्हारे सामने इस कामनी ने मुझे चुड़ैल कहा? इसकी हिम्मत मुझे चुड़ैल कहने की हुई? और मेरे घर में मेरा अपमान करके ये अभी तक अपने पैरों पर खड़ी है? हराम जादी, बहुरूपनी, मेरे घर को अपना घर बता रही है, ड्रामेबाज। तुम सुन रहे हो ना शीतल, इस कामनी के जो मन में आ रहा है कहे जा रही है मुझे, और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। निकालो इसे यहां से। मगर शीतल क्या कहे, वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर पागलों की तरह कभी इस कामनी को देख रहा था तो कभी उस कामनी को। ये क्या बोलेगा? दरवाजे वाली कामनी फुफकारती सी आगे बढ़ी। मैं बताती हूं तुझे चुड़ैल। फिर वो शीतल के सामने खड़ी हो गई। बोलो बोलो, कौन है ये चुड़ैल? कहां से लाए तुम इसे और मेरे बिस्तर पर ले? मेरा बहुरूप रच कर मजा कर रही है ताकि किसी को पता ही ना चले। बोलो कौन है ये बहुरूपनी? ये कामनी ही तो है। अच्छा, तो इस चुड़ैल को मेरा स्वांग रचने के लिए तुम्ही ने कहा था ताकि कोठी का कोई नौकर चाकर देख भी ले
तो मुझसे शिकायत ही ना कर सके और तुम इस चुड़ैल के साथ मजे करते रहे। तुम जानते थे ना आज मैं जल्दी नहीं लौटने वाली। मगर शीतल चोपड़ा क्या जवाब देता। अब बहुत हो चुका शीतल, बिस्तर की कामनी ने कहा, अब मैं और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो इस कुतिया को यहां से निकालो या तूने मुझे कुतिया कहा। कुतिया तो तू है ही, जहां भी कोई कुत्ता नजर आया तू ठहर जा हरामजादी। इस बार बिस्तर वाली कामनी क्रोध से फूंकारती हुई बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। अभी मजा चखाती हूं तुझे कुतिया कहीं की। कामिनी कामिनी, शीतल ने कहा, मगर उस स्वयं नहीं जानता था कि वो किस कामनी को पुकार रहा है। ठहर जाओ कामनी, मेरी बात तो सुनो। मगर वहां कौन किसकी सुन रहा था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। शीतल चोपड़ा बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी एक कामनी का हाथ उसके जबड़े पर पड़ा तो लड़खड़ा गया। बड़ी मुश्किल से वो अपना संतुलन कायम रख सका। दोनों कामनियां दो पहलवानों की तरह एक दूसरे से भिड़ गई। शीतल चोपड़ा का जबड़े पर पड़ने वाला हाथ इतना जबरदस्त था कि वो अब तक उसे सहला रहा था। हाथ खाने के बाद वो बीच बचाव का भी साहस नहीं कर पा रहा था। उसी पल नीचे दबी हुई कामनी के मुंह से चीख निकली, बचाओ शीतल, बचाओ मुझे, ये औरत नहीं कोई बला है, मुझे बचाओ इस बला से, ये मुझे जान से मार डालेगी। शीतल चोपड़ा की आंखों में असमंजस के भाव पैदा हुए। उसी घड़ी ऊपर वाली कामनी उछल कर खड़ी हो गई। उसके मुंह से ठहाका बुलंद हुआ, हाँ हाँ मैं औरत नहीं हूं, मैं नागिन हूं, नागिन हूं मैं वही नागिन हूं जिसने विजय प्रताप सिंह को इस हालत में पहुंचा दिया कि तुम उसे पागल सिद्ध कर चुके। चंदन सिंह को मैंने ही डसा था और टोनी नाम के उस किराए के कातिल को भी मैंने डसा था। मैं इच्छाधारी नागिन हूं और इस सब के बाद तुम्हारा नंबर है, तुम दोनों का नंबर। नहीं, उसे अपनी ओर दोबारा बढ़ते देख कामनी के मुंह से फिर चीख निकली। शीतल चोपड़ा की आंखें आतंक से फैल गई। मैं तो इसलिए जहरीली हूं कि मैं नागिन हूं, नागिन ने कहा, मगर तुम वो औरत हो जो किसी नागिन से भी अधिक जहरीली होती है। नागिन के जहर का तो फिर भी इलाज होता है, मगर तुम्हारे जहर का तो कोई इलाज नहीं। मगर आज मैं तुम्हारा सारा जहर खींच लूंगी। देख, हम एक जानवर है इसलिए नेचुरल रूप से हमारे अंदर जहर होता है, ये प्राकृतिक है। लेकिन तुम दोनों तो इंसान हो, लेकिन इंसानियत जरा भी तुम दोनों के अंदर नहीं है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो और तुम में जहर कूट कूट कर भरा है। आज उसी जहर को मैं खींच लूंगी। नहीं, वो आतंक से कपकपाती हुई पीछे हट रही थी। उसी प्रकार शीतल चोपड़ा भी पीछे की ओर सरक रहा था। नागिन का पूरा ध्यान उस समय कामनी पर केंद्रित था। वो ये नहीं देख सकी कि शीतल ने बड़ी सफाई के साथ अलमारी खोलकर रिवॉल्वर उठा लिया था। मगर कामनी की नजर चूंकि उधर थी, इसलिए उसने शीतल चोपड़ा को रिवॉल्वर निकालते देख लिया था। उसकी आतंकित आंखों में एक बार आश्वासन के भाव उभरे। शीतल चोपड़ा का रिवॉल्वर नागिन की ओर उठा। नागिन की पीठ उसकी ओर थी। कामनी देख रही थी कि उसने नागिन के सिर का निशाना किया था, इसलिए उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं था। मगर इसके बावजूद भी शीतल चोपड़ा की आंखों में आतंक की परछाइयां साफ नजर आ रही थी, क्योंकि अब वो जानता था कि सारा गोरख धंधा इस इच्छाधारी नागिन द्वारा ही फैलाया हुआ था। उसे अपनी मौत के रूप में नजर आ रही थी। उस घड़ी नागिन की मौत में ही शीतल चोपड़ा अपनी जिंदगी देख रहा था। कामनी को उसने आंखों के संकेत से ही समझा दिया था कि अपना सिर नीचे रखे। शीतल चोपड़ा की पकड़ उसके रिवॉल्वर के दस्तर पर उसके दस्ते पर सख्त हो गया। उसके जबड़े भींच गए और शीतल चोपड़ा को पल भर के लिए अपनी आंखों के सामने एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई दी और उसी पल लिवी दब गई। मगर उसकी आंखों की रोशनी उस घड़ी उसे धुंधली सी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखने का प्रयास किया,
गोली की आवाज के साथ ही एक घुटी सी चीख उभरी और शीतल चोपड़ा ने अपनी धुंधलाई आंखों से उसे कराकर जमीन पर गिरते देखा। गोली चलाने के बाद कुछ पल तक ओ की कृतव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। मर गई, कामनी का स्वर सुनकर ओजे से होश में आया। उसकी आंखों में एक बार फिर आतंक के भाव उभर आए। ठीक ही तो हुआ, कामनी ने नफरत से उसकी ओर देखते हुए कहा। मर गई चुड़ैल, ये न मरती तो हम दोनों को डस लेती। विजय के बारे में जो सुना था मैं तो यही समझती थी कि किसी मनोवैज्ञानिक समस्या का शिकार है। मुझे तो विश्वास नहीं होता था, मगर ये तो मर गई। अरे ये अच्छा ही तो हुआ, मगर ये हत्या हो गई। शीतल चोपड़ा के स्वर में कंपन था। तो क्या हुआ, एक नागिन की हत्या के आरोप में तुम्हें फांसी तो नहीं लग जाएगी? इस बात पर विश्वास कौन करेगा कि ये नागिन थी, ये तो अब औरत के ही रूप में है। हाँ ये तो है, इस बार कामनी कुछ परेशान नजर आई, मगर चिंता मत करो, इसकी लाश को कहीं छिपा देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कहाँ छिपा देंगे, कहीं भी, कोठी के पिछवाड़े वाले बगीचे में गड्ढा खोद कर दबा देंगे। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कामिनी बड़े कामुक अंदाज में उसकी ओर देखा। ऐसी क्या जल्दी क्या है, कमाल है, शीतल चोपड़ा ने उसका इरादा भांपते हुए कहा। यहाँ लाश पड़ी है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? इससे पहले भी तो लाशों की ही बातें हो रही थी, तब तुम्हें भी तो रोमांस सूझ रहा था, तब और बात थी, तब केवल बातें हो रही थी, लाश सामने तो नहीं थी। रिलैक्स डार्लिंग, ये एक नागिन की लाश है, मुझे तो खुशी हो रही इसकी मौत पर। कैसे बनकर चिपट रही थी तुमसे और तुम भी कैसे मरे जा रहे थे, मेरे साथ भी ऐसे ही करके, कामनी ने एक जानलेवा अंगड़ाई लेते हुए कहा। वो शीतल चोपड़ा से सट गई। शीतल चोपड़ा ने रिवॉल्वर हाथ से फिसल जाने दिया, मगर उसकी आंखों में आतंक की परछाइयां अभी तक वैसे ही थी। उसकी बाहें कामनी के बदन से लिपट गई, मगर ऐसा लगता था जैसे उसे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा हो। ये क्या हो गया तुम्हें शीतल, कितने ठंडे हो गए हो तुम, कामनी ने शिकायती अंदाज में कहा। उसकी हालत ऐसी हो रही थी मानो कामवासना में बुरी तरह जल रही हो। उसने शीतल चोपड़ा को बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर झुक गई। उसके होठ शीतल चोपड़ा के होठों से चिपक कर रह गए, मगर उस घड़ी शीतल चोपड़ा को कामनी के होठों में काम भरी वो मिठास महसूस नहीं हो रही थी। एक लंबे चुंबन का अंत हुआ। इस घड़ी दोनों की नजरें एक बार आपस में टकराई तो शीतल चोपड़ा के मुंह से दबी दबी सी चीख निकल गई। वो कामनी की आंखें नहीं थी। उसी पल उसने अपने पूरी शक्ति से उसे अपने ऊपर से धकेल दिया। तभी वो कक्ष उस विषैली सुंदरी की खनखनाती हंसी में गूंज उठा। मगर यह हंसी शीतल चोपड़ा को बहुत ही भयंकर लगी। तुम शीतल चोपड़ा का स्वर कांप रहा था। अब उसे उस सुंदरी का रूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। वो कामनी नहीं थी, वो इच्छाधारी नागिन थी, तानी। तुमने अपनी प्रेमिका को ही मार डाला, सुंदरी ने खनखनाती हंसी के बीच में कहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने आतंकित स्वर में कहा। अब तुम्हारा क्या होगा, मैं क्या होगा मेरा, घबराओ नहीं, तुम्हें फांसी नहीं होगी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक मौत तुम्हारा इंतजार करेगी ही नहीं, तुम्हें मेरा जहर ही काफी होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं डर सकती नागिन, मुझे नहीं डर सकती, उससे पहले ही मैं तेरा फन कुचल दूंगा, कहते हुए शीतल चोपड़ा ने उछल कर रिवॉल्वर उठाना चाहा। मगर उससे पहले ही नारी रूपी नागिन ने रिवॉल्वर के ऊपर अपना पैर रख दिया। मेरा जहर तो अब तक तेरे अंदर अपना असर भी दिखाने लगा होगा, जो मेरे होठों के रास्ते तुम्हारे जिस्म में घुस गया है। शीशे में अपना चेहरा देखो, नीला पड़ने लगा है। शीतल चोपड़ा को सचमुच ही
अपना सिर चकराता महसूस हुआ। उसने पलट कर दीवार में लगे आदमकद शीशे में अपना चेहरा देखा। सचमुच ही उसे लगा जैसे उसके चेहरे की रंगत नीली पड़ती जा रही हो। नहीं, उसके मुंह से डरावनी चीख निकली। बदले में उसे नागिन की खनखनाती हंसी सुनाई दी। वो दोबारा उसकी ओर पलट गया। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो नागिन। सुना है नागिन चाहे तो अपना जहर वापस खींच सकती है। ठीक सुना है तुमने, तानी ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं ऐसा करूंगी नहीं। तुम्हारे जैसे लोग धरती माँ को बोझ मार रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जान बख्श कर मैं पाप नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो नागिन बहन, मुझे माफ कर दो। बहन, हराम जादे, अभी अभी तो बिस्तर पर मेरे जिस्म के कपड़े उतारने के लिए पागल हुए जा रहे थे। अपनी बहन के साथ तुम्हारे जैसे शैतानों के लिए ये सब कुछ कर गुजारना भी संभव है? मैं मरना नहीं चाहता, वो तानी के पैरों से लिपट गया। तानी ने नफरत से एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपनी ठोकर से ही उसे पीछे की ओर उलट दिया। भगवान के लिए मेरा जहर निकाल दो, जवाब में तानी ने उसके ऊपर थूक दिया। उसका हाथ उसी पल अपने चेहरे पर चला गया। तानी अब भी नफरत भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी। अपने पापों को याद करते हुए अपनी मौत की कल्पना कर शैतान कि किस प्रकार तेरा पूरा जिस्म नीला पड़ जाएगा, तेरे नाक और मुंह से ढेर सारे नीले नीले झाग तेरे अंदर की गंदगी के साथ निकलकर फर्श पर टपकने लगेंगे कि देखने वाले नफरत से चेहरा घुमा लेंगे, तेरी लाश भी उठाने वाला कोई नहीं होगा। कहते हुए तानी ने एक बार फिर नफरत भरे नेत्रों से उसकी आंखों में देखा, गुड बाय, और तानी वापस मुड़कर कामनी की लाश को ठोकर मारती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई। शीतल चोपड़ा के भावों में उसी पल अजीब सा परिवर्तन हुआ। उसने झपट कर रिवॉल्वर उठाया तथा उसका रुख तानी की ओर कर दिया। मैं तो मरूंगा कामिनी नागिन, मैं तो मरूंगा कमिनी नागिन, उसने मन ही मन कहा, लेकिन जिंदा तू भी नहीं रहेगी। और उसने ट्रैगर दबा दिया। धाए, अपनी लगातार समाप्त होती जा रही पूरी शक्ति के बावजूद भी उसने पीड़ा युक्त कराहट को सुना। युवा सब इंस्पेक्टर पुनीत रसगोत्रा अपने पेशे के विपरीत अत्यंत मृदुभाषी और मिलनसार पुलिसिया था। इसका कारण शायद यही था कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुलिस सेवा में आया था। इस समय वो विजय प्रताप सिंह के घर पर नदी किनारे वाली घटना की तहकीकात के सिलसिले में मौजूद था। उनके साथ वो बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आया था। घटना से संबंधित इस पूरी कहानी को, जिसमें उस चमत्कारी नागिन की चर्चा थी, विजय प्रताप सिंह की पत्नी दिव्या प्रताप सिंह की जवानी पर मंत्रमुग्ध होकर सुनी थी। इसके अंत में उसने दिव्या की ओर देखा। इस प्रकार की कोई चमत्कारी नागिन का अस्तित्व संभव हो सकता है, इस पर विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं उठता मिसेज प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर पुनीत रसगोत्रा ने कहा। मगर आप एक पढ़ी लिखी और सभ्य महिला है, इसलिए आपकी बात को यूं ही नकार देने की धृष्टता भी नहीं कर सकता। यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ होती है तो निश्चित रूप से ये अत्यंत रहस्यपूर्ण मामला है जिसने मेरी उत्कंठा को भड़काकर मुझे इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए प्रेरित कर दिया है। आप करेंगे ऐसी कोशिश? दीपक राठी ने प्रश्न किया, जो उस समय वहीं मौजूद था। अवश्य, सब इंस्पेक्टर रसगोत्रा ने कहा, कोशिश तो अवश्य करूंगा, सफलता मिले न मिले ये अलग बात है। विजय प्रताप सिंह भी कुछ कहना चाहता था मगर उसने
अभी मुंह खोला ही था कि दरवाजा जोर जोर से भड़भड़ाया गया। विजय प्रताप सिंह स्वयं उछलकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है भाई, खोलता हूं। और जैसे ही दरवाजा खुला, एक अनिंद्र सुंदरी का जिस्म बेसहारा सा होकर विजय प्रताप सिंह की बाहों में झूल गया। उसी घड़ी विजय प्रताप सिंह ने देखा कि उस युवती के जिस्म से खून बह रहा था, जिसके कारण उसके वस्त्र रंग रहे थे, उसके माथे पर बिंदी लगी थी तथा मांग में सिंदूर इस प्रकार दमक रहा था जैसे अभी अभी भरा हो। कौन है आप? विजय प्रताप सिंह ने हैरत से उसकी ओर देखा। क्या हुआ आपको? उत्तर में वो अजीब सी नजरों से विजय की ओर देख रही थी। अब तक बाकी लोग भी उठकर दरवाजे तक आ गए और उसी घड़ी दिव्या की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। ये तो वही है। वही कौन? सभी ने दिव्या की ओर देखा। तानी, दिव्या के स्वर में हैरत का आतंक था। नागिन, नागिन, सभी के मुंह से एक साथ निकला। तानी के होठों पर एक भोली सी मुस्कुराहट उभरी। तुमने ठीक पहचाना बहन, उसने दिव्या की आंखों में झांकते हुए कहा। मैं वही हूं, मगर मेरी ओर यूं नफरत से मत देखो। नफरत? आज मैं तुम्हें कोई दुख देने नहीं आई बहन, तुम्हारे सामने मैं अपनी पराजय स्वीकार करने आई हूं। पराजय? कैसी पराजय? मैंने वर्षों की तपस्या के बाद असीमित शक्तियां प्राप्त की और उन्हीं के बल पर अपने प्यार को प्राप्त करना चाहा। मगर आज मुझे एहसास हो रहा है बहन कि प्यार को किसी शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि प्यार के बल पर ही जीता जा सकता है। केवल प्यार के बल पर ही प्यार को हासिल किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने हार गई, तुम्हारे प्यार के सामने हार गई, और अपनी हार मानकर मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। बरसों की जिंदगी में शांति मुझे पहली बार महसूस हो रही है। मगर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे माफ नहीं करोगी वहां? तानी ने उसके सवाल का उत्तर न देते हुए पूछा। मगर माफी किस बात की? एक दिन तुमने कहा था वहन कि अपने प्यार के सुख की खातिर कुछ भी कर सकती हो, यहां तक कि उसे सुखी देखने के लिए अपने सुहाग पर से अपना अधिकार तक छोड़ सकती हो। तुम्हारे त्याग की उस भावना का मैंने मजाक उड़ाया था, मगर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इतनी दिव्य शक्तियां प्राप्त करके भी तुम्हारी महानता की उस सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकी। प्यार त्याग और बलिदान का दूसरा नाम होता है, क्योंकि जिस प्यार को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर त्याग और निस्वार्थ भावना थी और तुम उसे हर तरह से सुखी देखना चाहती थी, वही मैंने उसके सारे सुखों को छीनकर उसे एक निरीह प्राणी बनाने में जरा भी हिचक नहीं की। तभी तो मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी। तुम्हारे सामने हार गई मैं बहन। त्याग और तपस्या से तुमने विजय को अपना बना लिया, उसके प्यार को हासिल कर लिया और प्यार और मोहब्बत के इस जंग में तुम जीत गई। दिव्या फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी, जिसे वो आज तक सपनों में देखती रही, आज सभी उसे प्रत्यक्ष देख रहे थे। उसी पल बाहर से हवा का एक झोंका आया और दिव्या के नथुनों में वहीं चीर परिचित सुगंधित समाधि चली गई। दिव्या के सिवा उसे वहां मौजूद सभी ने महसूस किया। इस महा का एहसास होते ही दिव्या के मस्तिष्क से अविश्वास के सारे बादल छट गए। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं बहन, तानी ने कहना जारी रखा, मगर आज मैं तुम्हारे वो सारे सुख तुम्हें लौटाने आई हूं। विजय तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। अब मैं ये समझ चुकी हूं कि प्यार सिर्फ पा लेने का ही नाम नहीं है बहन, बल्कि प्यार तो त्याग
तपस्या और बलिदान का दूसरा नाम है। मैंने अनधिकृत कोशिश की है, मेरा तो हंसु के रूप में ही था और उसी रूप में उसका इंतजार करना था मुझे, मगर अधीरता में मैं सोच ही ना सकी कि गलत क्या था और सही क्या था, मगर अब वो सब मेरी समझ में आ चुका है। यदि तुम इस पाप के लिए मुझे माफ कर सको तो मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। ये सब छोड़ो तानी, दिव्या बहुत देर बाद बोल सकी, पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। मुझे गोली लगी है। गोली? सभी चौंके। वो खून से इस प्रकार सरावोर हो रही थी कि गोली का घाव किसी की नजर ही नहीं आया। किसने मारी है तुम्हें गोली? विजय ने विचलित स्वर में पूछा। क्यों मारी है? शीतल चोपड़ा ने। उसी ने तुम्हारी हत्या के लिए एक खूनी को भेजा था, मगर मैंने उसकी ये योजना सफल नहीं होने दी। ओ हरामजादा शीतल चोपड़ा! दीपक राठी का चेहरा भवक उठा। मगर उस शैतान और उसके पाप के साथ ही उस शैतान औरत अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। कैसे? कामनी को उसके यार ने ही गोली मार दी और ऐसे हालात मैंने स्वयं पैदा किए थे और उस शैतान के जिसमें मैंने स्वयं अपना जहर उतार दिया, क्योंकि तुम्हें सारे कष्ट इन्हीं दोनों ने दिए थे। इन दोनों ने षड्यंत्र रचकर विजय के डैडी की हत्या की थी। हत्या? हाँ, हत्या की गई थी उनकी, मगर वे तो हार्ट अटैक से मरे थे। उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि हार्ट की दवाई की ओवरडोज देकर हुई थी जो उस औरत ने दी थी। हे भगवान! विजय के मुंह से निकला। दीपक, कहीं से डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। नहीं, तानी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए प्रतिवाद किया, कोई डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता। डॉक्टर लोग इंसानों का इलाज कर सकते हैं, नागिनी का नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने ये अंजाम स्वयं स्वीकार किया है, अपने मन से स्वीकार किया है। अब दुनिया की कोई ताकत मेरे अंजाम को नहीं बदल सकती। मेरे पास वक्त कम है, यदि कर सको तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, उसने विजय की आंखों में झांकते हुए कहा। बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं 200 वर्षों से सुहागिन बनी तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं सुहागिनी मरना चाहती हूं। मैं वो सुहागिन हूं जो 200 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अपनी हंसुकी की इंतजार। एक बार अपने हाथ से मेरी मांग भर दो ताकि मैं शांति के साथ अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार एक सुहागिन के रूप में ही कर सकूं। विजय की आंखों में विवशता के भाव उभरे, मगर उसी समय दिव्या ने आगे बढ़कर विजय का हाथ पकड़ा और उसका अंगूठा तानी के रक्त में डुबा दिया। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का प्यार तुम्हारा ही रहेगा तानी, मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि इस जन्म में तुम्हारे प्यार को संभाल कर रख सकूं। तुम्हारा प्यार महान है तानी, तुम्हारा प्यार महान है। तानी की आंखों में कृतज्ञता के भाव उभरे। विजय अपने हाथों से उसी के रक्त से उसकी मांग भर दी। तानी की आंखों में असीम शांति के लक्षण उभरे। अब मुझे, तानी ने कहा, यहां से 200 किलोमीटर दूर उस स्थान पर ले चलो जहां मैंने अपने हंसुकी के मृत शरीर को सुरक्षित रखा हुआ है। मैं उसके करीब ही अंतिम सांस लेना चाहती हूं। यदि मेरे हंसुकी के मृत शरीर के साथ मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया तो फिर मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी और मेरी आत्मा चैन के साथ उस जन्म तक तुम्हारा इंतजार करती रहेगी जब तक तुम दोबारा मेरे हंसुकी के रूप में मुझे मिलोगे। और जैसे ही मैं अंतिम सांस लूंगी, मेरी दैवी शक्तियां भी समाप्त हो जाएगी, तब मैं अपना ये इंसानी रूप नहीं रख सकूंगी जो मैंने अब धारण किया हुआ है। उस समय मेरा निर्जीव जिस्म एक नागिन के रूप में ही होगा। बोलो, करोगे ऐसा? जरूर करूंगा तानी, जरूर करूंगा।
विजय ने कहा। मगर सब इंस्पेक्टर पुनीत रसगोत्रा ने विजय की व्यवस्था को ताड़ लिया था। परेशान होने की जरूरत नहीं है विजय प्रताप सिंह, मेरी जीप बाहर खड़ी है। ठीक है तो अभी चलो विजय, तानी ने कहा। हालांकि मैं तब तक अपनी मौत को रोके रख सकती हूं, मगर फिर भी वक्त बहुत कम है मेरे पास। फिर तुरंत ही तानी की इच्छा का पालन किया गया। सब इंस्पेक्टर का अपनी जीप ऑफर करने के पीछे उद्देश्य यह था कि उसे अभी तक तानी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो यही समझ रहा था कि औरत मरते समय भी कोई ड्रामा कर रही थी। विजय उसे अपनी बाहों में संभाले हुए जीप तक पहुंचा और फिर उसे अपनी गोद में लिए हुए जीप में सवार हो गया। रास्ता तानी ने स्वयं बताना था। रास्ते में दिव्या ने तानी की ओर देखा। बहुत दर्द हो रहा है तानी, दर्द तो होगा ही बहन, दिल का सारा मल खुरच खुरच कर रक्त के साथ निकलेगा तो दर्द क्यों नहीं होगा, मगर इसी दर्द के बाद तो मुझे चीर शांति प्राप्त होगी ना। उसके इस भावुक कथन पर दिव्या भी भावुक उठी और वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। सबके साथ ये चमत्कार सब इंस्पेक्टर पुनीत रसगोत्रा ने अपनी आंखों से देखा। एक नाक का मृत शरीर लंबाई में फैला हुआ था, उसका फन आधा खोला हुआ था तथा तानी का सिर विजय की गोद में रखा हुआ था। दिव्या उसके ऊपर झुकी हुई थी। तुम्हारे रास्ते में जो कांटे मेरे कारण बोए गए थे वहां, वो सब अब दूर हो चुके हैं। इस कोठी पर जिन दो शैतानों का साया था, उन्हें मैंने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। स्वयं मेरी छाया भी अब कभी उस हवेली पर नहीं पड़ेगी, मगर मैं तुम्हारे चंदन काका को कभी नहीं लौटा सकूंगी। इसके लिए मुझे क्षमा करो बहन, मुझे क्षमा करो। मुझे कोई शिकायत नहीं है तानी, जो हो गया शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। तानी की आंखों में राहत के भाव उभरे, वो विजय की गोद से सरकने लगी। विजय ने उसे संभालना चाहा। नहीं नहीं मेरे राजा, अब मुझे मत रोको, मुझे मेरे अंतिम गति को प्राप्त हो जाने दो। विजय के हाथ जहां के तहां रुक गए। तानी पेट के बल रेंगती हुई मृत नाग के शरीर तक पहुंची, फिर वो घुटनों के बल बैठ गई। एक बार उसने बेबस नजरों से सभी की ओर देखा, फिर अपने नाक की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए, मगर वो पल भर के लिए भी अपने जिस्म को संभाल कर नहीं रख सकी। वो लहरा कर गिरी। विजय उसकी ओर झपटा, मगर जमीन पर गिरने वाली वो कोई इंसानी देह नहीं थी, बल्कि नागिन का जिस्म था। उसका फन उसके नाक के फन के ठीक ऊपर गिरा था। पीठ पर गोली का निशान था जिससे ताजा खून बह रहा था। नागिन के जिस्म में अब कोई हरकत बाकी नहीं थी। सदा सदा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, वो मर चुकी थी। सब हक्के बक्के थे। सब इंस्पेक्टर रसगोत्रा के चेहरे के भाव से लगता था जैसे उसे अपने मन को ये समझाने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा हो कि सच्चाई वही थी जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। एक इच्छाधारी नागिन की कहानी उसने अपने आंखों से देखी थी। तो वहीं दिव्या को मन ही मन ये एहसास हो रहा था कि तानी का प्यार महान था। 200 साल से उसने अपने सुहाग के लिए, अपने प्यार के लिए इंतजार किया और इस जन्म में भी उसे उसका प्यार ना मिल सका। तुम महान हो तानी, तुम महान हो, तुम्हारा प्यार अमर है और अमर रहेगा। तानी के जाने का दुख वहां मौजूद सभी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। समाप्त। द एंड। आदरणीय श्रोता, तो कहानी इस मोड़ पर आकर समाप्त हो जाती है, लेकिन ठहरिए, आप लोगों से मेरा एक सवाल है। आदरणीय श्रोता, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि जहां एक तरफ तानी यानी कि वो इच्छाधारी नागिन
200 साल से अपने प्यार, अपने सुहाग, अपने पति का इंतजार कर रही थी। और उसका पति इंसानी रूप में उसके सामने भी आया, लेकिन फिर भी वो उसका नहीं हो सका, क्योंकि इंसानी रूप में उसका विवाह दिव्या नाम के उस औरत से हुआ था जो अब उसकी धर्मपत्नी थी, जो उसे बेहद प्रेम करती थी। एक तरफ 200 साल से अपने सुहाग, अपने प्यार और अपने पति का इंतजार करती इच्छाधारी नागिन तानी का प्यार, तो दूसरी तरफ एक सुहागिन, एक भी इंतहा प्यार करने वाली इंसान रूपी दिव्या का प्यार, जो अपने पति विजय से बेहद प्यार करती थी। इन दोनों के प्यार में सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा उच्च निष्ठा का प्यार आपकी नजरों में किसका है? विजय प्रताप सिंह को तानी का होना चाहिए था या फिर दिव्या का? क्या इस कहानी के अंत से आप संतुष्ट हैं? आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी मन की बात, अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी आवाज जो भी श्रोता भी सुन रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और बताइए इस उपन्यास की कथानक जहां पर अंत हुआ है उस अंत से आप लोग कितना संतुष्ट है और इस कहानी का अंत आपकी नजरों में, आपके विचार से कैसा होना चाहिए? विजय प्रताप सिंह को तानी का होना चाहिए या फिर दिव्या का? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा एक और नए उपन्यास के साथ। जाते जाते आपको बता दूं कि ऐश्वर्यवीत अरुण पर अभी आप लोग जिस नॉवेल का वाचन सुन रहे थे उस नॉवेल का नाम था नागिन और सुहागिन। सस्पेंस, थ्रिलर और सुपर नेचुरल कहानियों से भरा इस उपन्यास का ये 8वां एपिसोड था जो इसका लास्ट चैप्टर था। आज की उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदरणीय श्रोता, आजकल आप लोगों का कमेंट आना बहुत कम हो चुका है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक और नए उपन्यास के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटों को माया, ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्यवाणी के साथ अब दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।